अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सैयद कामरान सिकंदर, शाइनिंग स्टार्स लाइव प्रोग्राम लेके हाजिर हूँ। और यकीन करता हूँ और उम्मीद भी करता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, हमारे प्रोग्राम का इंतज़ार कर रहे होंगे। नहीं जी, हम हाजिर हो गए और आज के प्रोग्राम को भी हमने बहुत खूबसूरत बनाना है और बहुत चिल करना है और बड़ी धमाल करनी है, और आपने भी हमारे साथ खूब हल्ला गुल्ला करना है। और वो किस तरह करना है आपको पता है कि आप अपने लाइव कॉल्स के जरिए हमारे साथ इंटरेक्शन कर सकते हैं, हमारे जो गेस्ट हैं उनके साथ इंटरेक्शन कर सकते हैं, गपशप कर सकते हैं। और हमेशा की तरह आज के प्रोग्राम में भी हमने सिंगर्स आपके लिए बुलवाए हुए हैं और बड़े अच्छे सिंगर्स बुलवाए हुए हैं। आप उनसे अपने मनपसंद गाने सुन सकते हैं, अपनी फरमाइशें पूरी करवा सकते हैं। उसके अलावा भी बड़ी ज़बरदस्त सेलिब्रिटीज मौजूद हैं नाजरीन, आज आप बहुत इंजॉय करने वाले हैं और इंजॉयमेंट के साथ साथ आपको इंफोटेनमेंट भी मिलने वाली है। आपको पता है कि मेरे प्रोग्राम में ना सिर्फ एंटरटेनमेंट होती है बल्कि इंफोटेनमेंट भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं, ताकि आपको कुछ ब्यूटी के हवाले से, आपको कुछ शोबिज के हवाले से न्यूज़ भी मिलती रहे और कुछ आगाही भी मिलती रहे। हम अपने प्रोग्राम में अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि एक ब्यूटिशियन को, एक मेकअप आर्टिस्ट को ज़रूर बुलाएं, ताकि जो हमारे दूर दराज के व्यूअर्स हैं, जो मतलब बड़े शहरों तक रसाई हासिल नहीं कर सकते, उनको घर बैठे ब्यूटी टिप्स मिल सकें, वो घर बैठे अपने आप को खूबसूरत बना सकें, अपने केयर कर सकें अपनी स्किन की, अपने बालों की, मतलब इस तरह के हम सेगमेंट्स आपके लिए रखते हैं। और यही वजह है कि आपकी अल्टीमेट फीडबैक हमें ना सिर्फ पाकिस्तान से बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड बड़े अच्छे तरीके से मिल रही है, ना सिर्फ आपकी ऑफ एयर कॉल्स और ऑनलाइन कॉल्स के ज़रिए बल्कि हमारा जितना भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसके ज़रिए आपकी हमें फीडबैक मिल रही है। और इसी तरह आप अपनी फीडबैक से हमें आगाह करते रहें और हमें अपने प्रोग्राम को अच्छे से अच्छा और खूबसूरत बनाते रहें। नाज़रीन, जो हमारी पहली सेलिब्रिटी हैं, जो पहली गेस्ट हैं, किसी तारुफ की मोहताज नहीं, आप उनको जानते हैं, आप जाना पहचाना फेस है, स्टेज पर बहुत अच्छा काम कर रही हैं, एक्टिंग बहुत अच्छी कर रही हैं, टी वी सीरियल्स पर भी माशाल्लाह नज़र आ रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज मेरी इनसे पहली दफ़ा मुलाकात हुई है, बड़ी विटी, बहुत चौली हैं और जितनी देर हमारे साथ बैठी हैं हमें हंसा ही रही हैं। और अब ये देखते हैं कि ऑनलाइन ऑन एयर हमें हंसाती हैं या नहीं हंसाती। वन एंड ओनली मुनज़्ज़ा मुल्तानी, अस्सलाम वालेकुम मुनज़्ज़ा एंड वेलकम टू द शो। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक, आपने कैसे? जी मैं ठीक, उम्मीद करती हूँ आप ठीक ही होंगे। और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि आज आप हमारे नाज़रीन को बहुत, बिल्कुल बिल्कुल, मेरे लिए सब काबिल एहतराम है, जितने भी मेरे फैन हैं, जितने भी हमें पब्लिक देखती है, हमें गाइड करती है, आज हम जो कुछ भी इन लोगों की वजह से हैं। और मुझे तो खास तौर पे बहुत खुशी होती है कि अक्सर मैं जब लाइव आती हूँ या जब इनसे गुफ्तगू करती हूँ कि पब्लिक को भी हंसने का मौका मिलता है। That's right. मतलब आपने बीड़ा उठाया हुआ है कि पब्लिक को आपने हंसाना है, पब्लिक को आपने मायूस नहीं होने देना है। सही बात है, वो काम करना चाहिए जिससे लोगों को फायदा हो, दुनिया से क्या ले जाना है। क्या बात है, बड़ी खूबसूरत बात है। और आपसे हमने खूबसूरत बातें यहाँ सुननी इस प्रोग्राम के जरिए, ठीक है? नाज़रीन, मैं अपने जो नेक्स्ट गेस्ट है उनका तारुफ करवाता चलूँ। इज़ अ आरजे, आजकल लाहौर के एफएम 95 में सर्व कर रहे हैं, उससे पहले मुख्तलिफ एफएम रेडियो स्टेशंस पे वो सर्व कर चुके हैं एज आरजे। और उसके साथ साथ उनका ये टैलेंट है कि वो बहुत अच्छे सिंगर भी हैं और म्यूज़िक प्रोड्यूसर भी हैं, मल्टी टैलेंटेड, वन एंड ओनली आरजे साहिर खान। अस्सलाम वालेकुम साहिर एंड वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा लगा आपने बुलाया, और बड़ी ख्वाहिश थी मेरी क्योंकि बहुत सारे लोगों ने आवाज़ से तो आशनाई होगी, लेकिन मेरा ख्याल है कि अब देख पहली बार रहे हैं तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है, बड़ा मतलब इट वाज सो क्वाइट। और ये कैरेक्ट मुझे जा रहा है, डेफिनेटली टोटली अप टू यू। बिल्कुल जी, मैं खुद आपका फैन, बल्कि मैं आपका शो भी जब देखता हूँ तो बड़ा अच्छा लगता है कि आप बहुत सारे नए चेहरों को जो है लेके आते हैं, बहुत सारे नए टैलेंट को उभारते हैं। ये बहुत ही मेरा ख्याल एक बड़ा अच्छा और ज़बरदस्त किस्म का काम है, पर इसे करते रहना चाहिए। जी बिल्कुल, हमारे चैनल का ये एक मोटो है कि हमने न्यू टैलेंट को लाजमी प्रमोट करना है, न्यू टैलेंट को हमने आगे लेके चलना है। सही। और बड़ा अच्छा लग रहा है, और आपसे आज हमने बड़ी अच्छी अच्छी बातें सुननी है, और वो बातें जो आपके फैंस, जो आपके चाहने वाले, उन बातों का नहीं पता, वो आपने शेयर करनी आ रहा है। जी जरूर, इंशाल्लाह, क्यों नहीं, अच्छी बातें ही तो क्या तो काम है, अच्छी बातें कर, बुरी बातें भी कर सकते हैं लेकिन हल्की आंच में। बिल्कुल बिल्कुल सही है, बहुत आला जी। नाज़रीन, जो हमारी नेक्स्ट गेस्ट है बहुत अच्छी ब्यूटिशियन है, बहुत अच्छी मेकअप आर्टिस्ट है, जैसे कि मैंने आपको कहा कि हम आपको मतलब एंटरटेनमेंट भी इस प्रोग्राम के जरिए प्रोवाइड करेंगे, तो आज आप ब्यूटी टिप्स बड़ी ज़बरदस्त किस्म की ले सकते हैं लाइव कॉल्स करके। और बहुत अच्छी ब्यूटिशियन है और बड़ा नाम है इनका लाहौर में और मेकअप इंडस्ट्री में और मॉडलिंग इंडस्ट्री में, माशाल्लाह ग्रोइंग एक नाम है, और वन एंड ओनली उमैरा जवान। अस्सलाम वालेकुम उमैरा जी एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं सर आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं कैसी? जी शुक्र अल्लाह का ठीक ठाक। अच्छा, मैंने बहुत कम ऐसी ब्यूटिशियंस या मेकअप आर्टिस्ट देखी हैं जो खुद इतनी ज़्यादा खूबसूरत हो।
तो ये क्या चक्कर है? थैंक यू सो मच, ये आपकी नजरों का कमाल है और कुछ नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। या आप अपने पे मतलब मेकअप बड़ा जबरदस्त किस्म का अप्लाई करते हैं, क्या सीन क्या है? सर नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं, मुझे मेकअप वैसे पसंद नहीं है खुद पे, और आज टीवी पे बैठ के तो मेकअप करना पड़ता फिर ज़ाहिर बात है, तो सिर्फ लाइट सा मेकअप किया हुआ है, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है। मेकअप इंडस्ट्री में आए हुए आपको कितना अरसा हो गया? मुझे 10 साल हो गए। 10 साल से आप हैं जी, बिल्कुल। और कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? और बहुत अच्छा रहा, और मेरी ख्वाहिश है कि मजीद आगे जो है, जो लर्निंग स्टेज पे लोग हैं जो नहीं सीखना चाहते हैं घर में बैठे हुए हैं, तो मेरी एक दिली ख्वाहिश है कि मैं उनको मजीद आगे लेकर जाऊं। मतलब उनको आप घर बैठे ऐसी टिप्स दें कि वो अपना ब्यूटी पार्लर फॉर्म कर सके अपने जी, घर में। बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब ऐसा हो सकता है कि आप किसी को ऑनलाइन समझा दें या कॉल पे समझा दें या हमारे प्रोग्राम के जरिए कुछ टिप्स दे दें तो वो सीख जाएं या वो कुछ करने के काबिल हो जाएं? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह ताला यही बिल्कुल दिल की ख्वाहिश है कि ऐसा ही होना चाहिए कि मेरे जैसे ग्रुप्स हैं, काफी लोगों को मैं पिटीशन है या जो घर में बैठे हुए हैं जो बाहर नहीं निकल सकते, पॉलर तक जाकर नहीं सीख सकते, तो मेरा यही है कि मैं उनको घर बैठे ही सिखाऊं। That's great, बड़ी अच्छी बात है जी। मुनज़्ज़ा जी ये बताएं, माशाल्लाह काम तो आप बहुत अच्छा कर रही हैं, स्टेज पे भी छाई हुई हैं, टीवी पे भी छाई हुई हैं, तो आप अपनी ब्यूटी को इनहेंस करने के लिए क्या करती हैं? नमाज पढ़नी चाहिए, मैं तो यही बोलूंगी, माशाल्लाह, क्योंकि जो चेहरे पे जो नुरानियत आती है वो तो जब भी आती है, और फील्ड अपनी जगह है, अल्लाह का नाम अपनी जगह है, बेशक इसमें बस कोशिश करती हूँ कि मैं पांच नमाजें तो नहीं पढ़ती, दो तीन बीच में से पढ़ लेती हूँ। बहुत अच्छी बात है, आप अल्लाह को जितना याद करें मतलब उतना है तो उतना ही कम, लेकिन आप इतने टाइट शेड्यूल में भी अगर नमाज पढ़ लेती हैं तो बड़ी अच्छी बात है, तो उसकी तो माफी नहीं ना, नमाज की कोई माफी नहीं, बस कोशिश करती हूँ कि मैं मसलन के थोड़ा आजकल मैं डाइट पे भी हूँ। डाइट पे भी है? वेट गेन कर लिया आपने? अभी मैं डाइट पे हूँ क्योंकि मैं बहुत हेल्दी हो गई थी, अभी कुछ अरसे से मैं फील्ड नहीं कर रही हूँ, थोड़ा मैंने एक सैलून बनाया उसमें थोड़ा सा बिजी हूँ। सैलून एज अ पार्लर? अच्छा जी, तो अब आर्टिस्टों ने ये काम भी शुरू कर दिया? जी हमारे पास आखिरी हल तो वही होता है ना। अच्छा ये तो फिर हमें हमारे जी बता सकते हैं कि जी आपके कितने मतलब अदाकारों के साथ इंटरेक्शन हुआ जो अदाकारी के बाद सैलून बना? जी बिल्कुल, ऐसा ही है कि जैसे दीदार हैं, ठीक है, नरगिस, वो भी, नरगिस भी अभी अभी उन्होंने स्टार्ट लिया है, नरगिस ने भी इस चीज पे, तो काफी लोग, उनकी बहनें हैं, बिल्कुल काफी लोग हैं ऐसे कि किरण है, सिमी मिशी, वो उनकी बहन, बिल्कुल सिमी जी की तो डेथ हो गई, तो जी जी बिल्कुल, तो ये बाकी इन्होंने सही कहा, आखिरी हाल इनके पास यही यही होता है कि या बुटीक बना लें या बुटीक कर लें या सलून कर लें या क्लासेस देना स्टार्ट हो जाएं, जैसे दीदार भी क्लासेस दे रही हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी क्लासेस देती हूँ हर सिटी में, और अभी 28 अक्टूबर को गुजरात में क्लास करके आए। अच्छा, वर्कशॉप्स आप अटेंड करती हैं? जी बिल्कुल, लेक्चर्स दे ऑल ओवर द पाकिस्तान? बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी बड़ी अच्छी बात है जी जी, ताकि जो दूर दराज के इलाकों के लोग हैं लड़कियां हैं उनको भी अवेयरनेस और जो मॉडर्न जी बिल्कुल, जैसे मतलब ब्यूटिशियन भी हैं जो मतलब उन्होंने काफी अरसा पहले सीखा हुआ है और अब आजकल जो नई नई टेक्निक्स आ रही हैं हेयर पर आ रही हैं और मेकअप में भी आ रही हैं, तो वो फिर काफी अरसा पहले सीखने का, तो अब का मजीद उनको सीखना ही पड़ता है, तो इसलिए ये क्लासेस हर सिटी में दी जाती है, तो बड़ी जबरदस्त बात है। अच्छा साहिल भाई मैं आपसे ये पूछूंगा कि आपका जो पसंदीदा पैशन है या पसंदीदा प्रोफेशन है वो सिंगिंग ही है या एज अ रेडियो जॉकी आरजे? सर असल में ये है कि मीडिया से रिलेटेड जब आप किसी चीज़ की बात करते हैं ना तो फिर उसमें तकरीबन सब कुछ ही आ जाता है, यानी कि एक अच्छा आरजे अगर वो अच्छा लिसनर नहीं है तो वो एक अच्छा आरजे नहीं बन सकता, और अगर वो गाने ज़्यादा सुनता है तो ऑटोमेटिकली उसका शौक भी डेवलप हो जाता है गानों की तरफ, तो गानों के साथ तो असल में आशनाई बहुत ही पुरानी है, बहुत सालों से, मतलब मुझे इवन तब कभी बचपन में सोचा भी नहीं था कि आरजे बनेंगे, पर ये था कि इंशाल्लाह अगर हालात साथ रहे और वो मेहनत जुस्तजू और वो सारी चीजें सही चलती रही, अब हर चीज अपने वक्त पे रही, तो इंशाल्लाह सिंगर जरूर बनेंगे। तो सिंगर वाली जो एक फील्ड है वो बहुत ही वसी है, बहुत सारा उसमें आपको, इट्स नॉट अबाउट कि सिर्फ आवाज अच्छी होने से आप अच्छा सिंगर बन सकते हो, मतलब उसमें आपको रियाज करना पड़ता है अपने गले की एक स्पेसिफिक, अपनी मतलब जो आप हर इंसान की एक स्पेसिफिक स्केल रेंज होती है, पहले आपने उसे तलाशना है फिर उसको तराशना है,
तो इस हवाले से ये है कि सिंगिंग जो है वो हमेशा से पैशन रहा है, फिर बीच में कुछ दोस्त थे, एक हम जो हमारा एक ग्रुप था जिसमें हम लोग मिलके वीडियो एडिटिंग, वीडियोग्राफी और एंड ऑल दीज थिंग्स, ये सब चीज़ें करते थे, तो वहाँ पे एक बड़ा मज़े का सीन था कि कुछ दोस्त थे जो रेडियो से लगाव था जिनका बहुत ज़्यादा, फिर उनको देखे देखे मैंने सोचा कि यार मैं भी ट्राई करके देखता हूँ, फिर ऑडिशन दिए तो फिर पास हो गए। और आपने रेडियो मतलब कौन से चैनल से ज्वाइन किया? मैंने और मोस्टली पाकिस्तान के बहुत बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज ने भी रेडियो पाकिस्तान एफएम 101 से स्टार्ट किया। 101 से स्टार्ट किया, 101 से, और वो तो है भी मेरे ख्याल गवर्नमेंट का। हाँ जी, सरकारी है। और मतलब बहुत ही, मेरी असल में जो गुफ्तगु की ट्रेनिंग है ये एफएम 101 से हुई हुई है। मैं और तो ये कहता हूँ कि रेडियो जो कि आरजे, ये मुश्किल है टीवी एंकरिंग से। टीवी में तो आप अगर फंबल भी कर लेते, कोई प्रॉब्लम भी हो जाती, तो अपने फिसल एक्सप्रेशन के साथ, अपने बॉडी लैंग्वेज के साथ कवर अप कर जाते हैं। रेडियो में आप, रेडियो में ये थोड़ा सा है कि सब कुछ ही आपने आवाज के सर पे करना होता है, क्योंकि एक आवाज जो नशर हो रही है वो बस एक जादू की तरह है, तो बस आपने वो सारा जादू उस आवाज के थ्रू ही करते रहना है, ऑल दीस थिंग्स। जबरदस्त। तो आप 101 के बाद फिर 103 पे आप? नहीं, 101 जब मैं 101 पे था, थोड़ी सी सिलेक्शन में मुश्किल हुई थी जब मैंने 101 किया, थोड़ा डिसअपॉइंट भी हुआ, क्योंकि आप डायरेक्टली स्ट्रैक नहीं हो जाते ना, क्योंकि नॉर्मली बोलना और फिर वो रेडियो पे बोलना, फिर 2 घंटे तक बोलना, फिर वो टॉपिक प्रिपेयर करना, तो एक डिफरेंट थोड़ा सा सिनेरियो बनाना पड़ता है। तो स्टार्टिंग में पहले ऑडिशन पे मैं सिलेक्ट नहीं हुआ। अच्छा, फिर दूसरी दफा दिया, उन्होंने फिर बोला कि अभी भी आप में तो थोड़ी सी कमी है, इनको ठीक करें। तो मैं थोड़ा डिसअपॉइंट भी हुआ, फिर पता चला कि बड़े बड़े सिंगर्स जिनका बहुत बड़ा नाम है मार्केट में और जिनकी मिसाल नहीं मिलती जमाने में, उनके भी काफी सारे चक्कर्स लगे हैं, तो फिर मुझे लगा कि ये शायद एक स्ट्रगल का ना मेरा एक जरिया है, तो मुझे डिसअपॉइंट नहीं होना चाहिए। तो जो भी लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं हमें, मेरा यही पैगाम है कि अगर आपका दिल चाह रहा है ना, तो फिर आप जरूर उसे ट्राई करें, और आप कामयाब होंगे ही होंगे, चाहे जो मर्जी हो जाए, लेकिन आप ट्राई करते रहे। लेकिन अगर किसी पॉइंट में आपने सोचा ना कि यार ये फील्ड थोड़ी सी मुश्किल है, मुझे लगता है कि मेरे बस की नहीं है, क्योंकि मैं जिस फैमिली से बिलोंग करता हूँ ना, ये सब चीजें मेरे बस की नहीं थी। अच्छा। लेकिन मैंने देखिए अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता करके इनको थोड़ा थोड़ा टैकल करने की और इनको मतलब एक पैटर्न पे, एक पटरी पे लाने की कोशिश की। और अच्छा, अजय आपका एक गाना भी हमारे पास है, बड़ा जबरदस्त ट्रैक है, मेरा ख्याल वो प्ले ना कर लिया जाए। जी जरूर। जी जी, रेडी है और माइक ली और अच्छा अभी रेडी हो रहा है जी, अभी आप रेडी करके मुझे बता देंगे तो हम आप ट्रैक को प्ले करेंगे। अच्छा मुनज़्ज़ा, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आपको कितनी हर्डल्स पेश आई इस फील्ड में नाम बनाने तक? आप चाह रहे हैं कि मेरी आंखों में आंसू आ जाए? अरे अच्छा, इतनी मुश्किलात आई आपकी लाइफ में? जी, हमारी फील्ड में तो अक्सर आपको भी मसलन के जेलसी बड़ी होती है हमारी फील्ड में ना, हर इंसान। ये जेलसी से पहले की बात है कि जब आप घर में थी, जब आपने सोचा कि मैंने आर्टिस्ट बनना है? मैं बचपन से ही जो हमारी मैडम नरगस है उन्हें देखती आ रही थी। अच्छा, उनकी फॉलोअर है? अरे क्या बात। और यकीन माने कि मेरा तो मसलन के हमारे जो माशरे में ना डांस को कुछ लोग बहुत ही बुरा समझते हैं, हालांकि ये एक एक्सरसाइज है। ठीक है, तो अगर आप मैनर्स में करते हैं, अच्छे तरीके से करते नहीं हैं। मेरा देख लें आप यूट्यूब पे कोई भी गाना निकालने के, कोई मैंने कभी ना ओवर कभी ड्रेसिंग की है और ना ही कभी ओवर गाना किया है। मैं कोशिश करती हूँ हमेशा कि अपनी लिमिट में रह के काम करूँ, ठीक है ना, कि मैंने कभी ये कोशिश की कि मैं किसी से ज्यादा आगे निकल जाऊंगी। बहुत ऐसी आर्टिस्ट है जो अपने आप को मसलन के शो करती है कि मैं इससे बड़ी बन जाऊंगी, ऐसे नहीं होता। जब तक आपका नसीब आपके साथ है ना, आपके नसीब की कोई भी चीज है, आपसे कुछ नहीं सीखते। इस बात को हम आगे बढ़ाएंगे, इनका एक कवर सॉन्ग है बोल दो ना जरा, वो सुन लेते हैं। जी, हम जरूर सुनेंगे। बोल दो ना जरा, तो हफ्ते
रातों से सोया नहीं, बोल दो ना जरा दिल में जो है छुपा, मैं किसी से कहूंगा नहीं। बोल दो ना जरा दिल में जो है छुपा, मैं किसी से कहूंगा नहीं, मैं किसी से कहूंगा नहीं। बैंक का लेना है
शॉपिंग के लिए जब मैं जाती हूँ अक्सर वो गुस्से में बैठे होते हैं, अच्छा। बिल लाओ ऐसे करो, मैं तो कुछ मेरी नेचर ऐसी है कि मेरे अंदर तो अल्लाह ने बर्दाश्त तो पता नहीं क्या मसला है ही नहीं, तो मैं खुद उनसे ज्यादा कहने वो पंजाबी में कहते हो बीबी असी तो करो अके हो तुसी नहीं अके हो। अच्छी बात है ना, बंदे को मतलब विटी और जॉली होना चाहिए। आज के दौर में वैसी बड़ी परेशानी है, हर बंदा परेशान है। लाइफ छोटी सी है, इसको अच्छे से जीने। आपका एक लम्हा जो चला गया ना वो जिंदगी में वापस वापस नहीं आता। और आने वाले लम्हे को आप खूबसूरत बना सकते हैं, आप अपने हाल को खूबसूरत बना सकते हैं। बिल्कुल, ये अपने हाथ में ही होता है इंसान। एग्जैक्टली, अब हम टेंशन में रह के अगले को भी टेंशन में रखे तो कहेंगे लो जी हाई टेंशन हाई टेंशन। हमारे कभी आपको टेंशन हुई कि कोई ब्राइडल आपके पास तैयार होने के लिए आई है लेकिन उसका मेकअप हो ही नहीं रहा, मतलब ब्राइडल ठीक तरह से तैयार हो ही नहीं रही, उसकी कोई टेंशन आपने ली कोई बताएं कोई? नहीं ऐसा कभी नहीं हुआ, ब्राइडल तैयार ही नहीं हो पा रही ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ। ब्राइडल को तैयार जारी बात है करना तो होना ना उसमें, अगर हम बैठे रहेंगे तो फिर ब्राइडल बिल्कुल तैयार होगी नहीं। नहीं कभी ऐसे हुआ कि शावर में पानी ना हो ब्राइडल तैयार ना हो। इस बात को आगे बढ़ाते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। चलिए एक ब्रेक और ब्रेक के बाद हम दोबारा हाजिर होंगे, अपने कहीं नहीं जाना, बड़ा मजा और बड़ा मस्ती करने वाले हम आपके साथ। स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग ऑन न्यूज़ HD।